अगर आपको गर्भावस्था के दौरान इनडाइजेशन, नींद न आना, थकावट आना, बच्चेदानी का पानी कम होना, बच्चे तक ब्लड कम पहुंच पाना, चक्कर आना, मिचली आना, ऐसे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका गर्भावस्था में जो डाइट प्लान है वो शायद ठीक नहीं है। गर्भावस्था के समय सही प्रकार से भोजन करना माँ और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर माँ के द्वारा खाए गए भोजन से ही बनता है। हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे गर्भवती माँ का खान पान कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार संतुलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेहतर आहार से ही शिशु को माँ से पोषक तत्व पहुँचते हैं। घर के लोग बहुत फोर्स करते हैं कि खाना डबल खाओ, मगर ये धारणा गलत है। प्रेगनेंसी में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मान्य रखते हैं। पेट भरना है इसीलिए कुछ भी खाए ये सही नहीं होता। अच्छा और पोषक खाना खाने से बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है और उसके साथ साथ मानसिक विकास भी होते हैं, इसीलिए पोषक आहार लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है। उसके साथ ही आपके खाने में प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स आदि भरपूर मात्रा में होने चाहिए। गर्भावस्था में डॉक्टर हमेशा पौष्टिक आहार लेने की सलाह देते हैं। सामान्य महिला को अपने दैनिक आहार में 2100 कैलोरी की जरूरत होती है, यानी कि 2100 कैलोरी की जरूरत होती है, जबकि गर्भवती महिला को 2500 कैलोरी यानी कि 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आप रोज जितना खाते हैं उससे बस थोड़ा खाना आपको बढ़ाना है। आपको 10% कैलोरी प्रोटीन से, 35% कैलोरी फैट से यानी तेल, घी और मक्खन से, और 55% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। इसीलिए खाना संतुलित होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि पोषक आहार में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सवेरे 6:30 बजे से। ब्रश करने से पहले तुलसी के 2 पत्ते चबा के तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी 1 गिलास पीना है। तांबे की धातु में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी होते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। रात भर सोने से शरीर में एसिड की लेवल बढ़ जाती है, उसे कम करने के लिए सवेरे पानी पिए ताकि ये एसिड डाइल्यूट हो जाए। सुबह 7 बजे गेहूं के आटे से बने हुए 2 बिस्किट जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में रहते हैं, और 1 बड़ा गिलास दूध जिसमें आपको डालनी है 2 चम्मच शतावरी पाउडर, ये आपको लेना है। शतावरी पाउडर में महिला को आवश्यक सारे गुण होते हैं। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा संतुलित रखता है और डिलीवरी के बाद दूध भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बनता है। उसके साथ आपको लेना है रात भर पानी में भिगोए हुए 4 से 5 बादाम। रात भर पानी में भिगोने से बादाम में जो गर्मी रहती है वो निकल जाती है। इसके साथ ही आपको लेने हैं काले किशमिश, अखरोट, अंजीर, 2 खजूर और 1 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट में प्रोटीन और ओमेगा अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे कि बच्चे का शरीर विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ उसके ब्रेन का भी विकास होते हैं। नाश्ता आप भरपेट करें। रात भर सोने से एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है और शरीर को दिन भर एनर्जी की जरूरत भी होती है। उसके साथ ही सवेरे का भोजन बहुत जल्दी पचाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सवेरे का भोजन ज़्यादा मात्रा में लें, दोपहर का इससे कम और रात में सबसे कम भोजन का सेवन करें। ये सब नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य नाश्ते की ओर। सुबह 9 बजे नाश्ते में आपको जो भी प्रांतीय पदार्थ होते हैं वो लें, जैसे कि पोहा, उपमा, दलिया, मीठा सीरा, अलग अलग पराठे जैसे कि आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली का चिल्ला, पनीर पराठा, बेसन का चिल्ला, मिक्स वेज कटलेट, डोसा, इडली, उबला अंडा। इसके साथ ही आप अंडे का आमलेट भी लें, जो कि प्रोटीन का सोर्स होता है। इन्हें नाश्ते में शामिल करें। दही का भी सेवन करें। दही कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन का स्रोत होता है, और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे माँ और बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। 9 बजे का नाश्ता होने के बाद एक ब्रेक लें और 11 बजे पंचामृत लें, जिसमें 1 चम्मच घी, 1 चम्मच चीनी या मिश्री चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और 5 चम्मच दूध डाल के अच्छे से मिलाएं और 5 मिनट के बाद इसका सेवन करें। पंचामृत में 5 चीज़ों के मिश्रण से एक शरीर की शुद्धि, पाचन तंत्र को मजबूती, शरीर की चर्बी कम करना तथा गर्भस्थ शिशु के शरीर को बुद्धि और बल मिलता है। इसके और भी फायदे हैं जिनकी जानकारी आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचाई जाएगी।
सेब और केला ये दो फल साल भर मिलते हैं। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो शिशु के विकास के लिए आवश्यक है। उसके साथ ही संतरा, अनार, चीकू, आम, तरबूज, खरबूजा, अमरूद, कीवी, बेर, आलू बुखार, जो भी सीजनल फल उपलब्ध होते हैं, इन फलों का सेवन करें। इसका सेवन करने से बॉडी में हाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की मात्रा और पीएच संतुलित रहते हैं। एक घंटे ब्रेक लेने के बाद तकरीबन 12 बजे तरल पदार्थ यानी कि कोकम शरबत, नारियल पानी, नींबू पानी, नीर या जलजीरा या फिर एक कटोरी दही में चीनी डालकर इसका सेवन करें, जिससे कब्ज, गैस और जलन जैसे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। नींबू का सेवन गर्भावस्था में ज़्यादा से ज़्यादा करें। नींबू से मिचली आना, गैस होना, भोजन पचाने में काफ़ी लाभ होता है। अब बढ़ते हैं दोपहर की खाने की ओर। तकरीबन 1:30 बजे खाने में दो घी लगाई हुई चपाती या फिर फुलका, जवाहर बाजार, रागी की भाकरी, चपाती या फिर सब अनाज मिला के उसकी रोटी, जिसे थाली पीठ कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होते हैं, इनका सेवन करें। आयरन से संपन्न हरी सब्जी, जिसमें आप पालक, मेथी, बथुआ, सीपू, चावल, सरसों का साग, सहजन यानी कि ड्रमस्टिक के पत्तों की सब्जी, ब्रोकली, मेथी, गोभी, शिमला मिर्च, पनीर आलू, लौकी, कद्दू, इन सब का समावेश आप कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश का सेवन कर सकते हैं। फिश में विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं, जिससे शिशु की बुद्धि और आँखें तंदुरुस्त होती हैं। या फिर कोई भी एक अंकुरित सब्जी का समावेश आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ आप राजमा, चना, छोले पनीर, टोफू, इनमें से किसी भी सब्जी का समावेश आप कर सकते हैं। दोपहर के खाने में चावल जिसमें घी डाला हुआ हो और दाल आप खा सकते हैं। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दाल में आप अरहर, मसूर, चना, मूंग, उड़द, सीमी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सलाद भी लें, जिसमें चुकंदर यानी कि बीट, टमाटर, प्याज, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस सब का पचाने के लिए जीरा डाल के दही के छाछ खाने के बाद एक गिलास पिए। दोपहर का खाने खाने के बाद आप थोड़ा टहले और आधे से एक घंटे की नींद ले और 4:30 बजे आप हल्का नाश्ता कर सकते हैं। फ्रूट सलाद, जिसमें आप एप्पल, केला, अनार, कीवी, चीकू, तरबूज, खरबूजा, जामुन छोटा छोटा काट के उसका सेवन कर सकती है। अगर आपको चाय की आदत है तो आधे कप से कम चाय के साथ गेहूं के आटे से बना हुआ बिस्किट या फिर प्रोटीन पाउडर डाला हुआ दूध पिए। पनीर बटर को गेहूं के ब्रेड पर लगाकर आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आप खा सकते हैं भुनी हुई मूंगफली गुड़ के साथ या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी सेवन कर सकते हैं। फलों का सेवन जब भी करें उसे खाली पेट करें। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1:30 बजे के बाद 4:30 बजे हम फल खा रहे हैं, ताकि फलों का रस शरीर में शोषित हो। उसके बाद रात का खाना खाने से पहले तकरीबन 6:30 बजे मिक्स सब्जी का सूप, बीट या टोमेटो का सूप, जिसमें आयरन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जरूर पिए। एक उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं या फिर चिकन का सूप भी आप पी सकते हैं। ध्यान रखें कि रात का खाना आपको कम से कम खाना है। जैसे सूरज डूबना चालू होता है, वैसे ही शरीर का पाचन संस्था भी अपना काम थोड़ा धीरे धीरे करती है। आप जानते हैं कि आपको दिन के आखिर में क्या क्या खाना है। रात 8:30 बजे के भोजन में एक हरी सब्जी, जिसमें मेथी, पालक, बथुआ, सीपू, इनमें से कोई भी सीजनल सब्जी उपलब्ध है, उसका समावेश आप खाने में कर सकते हैं। गेहूं के आटे का फुल्का जिसमें घी लगा हुआ हो, वो भी आप खा सकते हैं। दाल खिचड़ी जो बनी हो दाल चावल से, वो भी आप समावेश कर सकते हैं। हल्का सा बीट और खीरे में नमक डालकर आप सलाद भी ले सकते हैं। गाजर, सूजी, साबुदाना, चावल के घी में बनी हुई खीर और सबसे अंत में नींबू डाल के गुनगुना पानी आपको पीना है। बस इतना अगर आप खाने में समावेश करें तो बच्चे को और माँ को दोनों को ही पोषक तत्व मिल जाते हैं। और एक बात, कभी कभी रात में भूख लग जाते हैं तो आप एक गिलास गुनगुने दूध में एक चुटकी इलायची पाउडर और 2 अंजीर खा सकते हैं। और इसके साथ आप खा सकते हैं वुड्स और ड्राई फ्रूट्स के बने बिस्किट। किसी की गर्भावस्था कैसी हो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। खाना खाने के बाद भी कभी कभार रातों को भूख लगे तो क्या करें? इसके लिए आप रोज पानी के एक बोतल के साथ
एक डिब्बे में कुछ ड्राई फ्रूट रखें और जब भी रातों को भूख लगे तो ड्राई फ्रूट खा ले और सो जाए। गर्भवती रहते ही आपको लोग दुनिया भर की सलाह देना शुरू कर देते हैं, ये खाओ वो खाओ, ज्यादा खाने की सलाह देते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ओवर ईटिंग ना करें। गर्भावस्था के दौरान पाचन प्रणाली हार्मोन बढ़ जाने की वजह से बहुत धीमी गति में चलते हैं। इसके कारण दिन में थोड़ा थोड़ा पर 4 से 5 बार खाएं, 3 बोतल पानी यानी कि 9 से 10 गिलास दिन भर पानी पिए। गर्भावस्था में पानी बहुत अहम माना जाता है। पानी की कमी के कारण से इनडाइजेशन, नींद आना, थकावट आना, बच्चेदानी का पानी कम होना, बच्चे तक ब्लड कम पहुँच पाना, चक्कर आना और भी कई सारी समस्या आ सकते हैं, इसीलिए भरपूर पानी पिए। सवेरे से रात तक की डाइट प्लान की जानकारी हमने आपको दे दी। अगर माँ गर्भ के दौरान उचित भोजन खाती है तो उसका बच्चा स्वस्थ रहता है और बच्चे को जन्म देने में माँ को कोई कठिनाई नहीं होती। जन्म देने के बाद माँ का स्वास्थ्य भी जल्दी ठीक हो जाता है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ के लिए यह आवश्यक है कि वह सही भोजन करे, क्योंकि बच्चे के लिए पौष्टिक तत्व माँ के खाए हुए भोजन से ही दूध में आते हैं। जब एक माँ बहुत कम खाती है या उसके भोजन में पौष्टिक तत्व बहुत कम होते हैं तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ नहीं हो सकता, जिसे कुपोषण कहते हैं, और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। अगर माँ का पोषण ठीक नहीं होता तो उसमें कम शक्ति होती है और वह जल्दी बीमार पड़ जाती है। यूं तो गर्भावस्था में माँ का वजन बढ़ना सामान्य है, किंतु अगर माँ का वजन बहुत अधिक बढ़ जाए तो यह माँ तथा गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। अगर माँ अधिक मात्रा में ज़्यादा तेल में पका हुआ खाना, बहुत मीठा खाना जैसे कि मिठाई, चीनी वाला शरबत, ठंडा पेय या डिब्बे वाला जूस पीते हैं तो उसका वजन आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ सकता है, जो उसकी और उसके शिशु के लिए अच्छा नहीं है। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ अधिक मोटी हो जाती है तो उसमें गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकते हैं। कभी कभी माँ के मोटापे से बच्चे को सामान्य तरह से जन्म दे पाना मुश्किल हो जाता है और ऑपरेशन करने का खतरा बढ़ सकता है। गर्भावस्था में अगर माँ अधिक वजन बढ़ा ले तो बच्चे के लिए सही प्रकार से विकास हो पाना मुश्किल हो जाता है। बच्चा या तो समय से पहले जन्म ले लेता है या फिर स्वास्थ्य संबंधी जन्मजात समस्याओं के साथ जन्म लेता है, जिससे माँ के लिए उसकी देखभाल करना कठिन हो जाता है। माँ बनना बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का कार्य है, और यह सच है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही माँ अपने परिवार को स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है। तो यह तो था सारी जानकारी कि एक गर्भवती माँ की डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए, एक गर्भवती माँ सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या उसको खाना चाहिए, ताकि एक गर्भवती माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा रह सके। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।